वेलकम बैक टू मिरेकल यूनिक क्लासेस। मैं एमएस अली और आप देख रहे हो मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज की वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा हटके, यानी थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम भारत में रहते हैं, हम सब इंडियन हैं, और इंडियन लोग ज़्यादातर ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, यानी वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। पर ऐसा देखा गया है या ऐसा आजकल मॉडर्न में देखा जा रहा है कि अमेरिकन वर्ड्स या अमेरिकन रूल्स को भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं अमेरिकन वर्ड्स के बारे में भी कुछ जानकारी देते चलूं। और मैं आपको उससे भी पहले ये बता दूं कि इंडिया में दो देशों की इंग्लिश चलने का प्रचलन है, एक ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन। तो इनमें जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहूँगा, बता देना चाहूँगा। और वैसे इस पर मैं बहुत सारे वीडियोज आपको देने वाला हूँ, फिलहाल ये मेरी पहली वीडियो है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में खासकर तीन फ़र्क ज़रूर होते हैं। एक वर्ड्स का डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ वर्ड्स, दूसरा डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग, एंड तीसरा डिफरेंस ऑफ प्रोनंसिएशन। तो ये तीन डिफरेंसेस आपको अक्सर मिल जाते हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो आप सोचोगे कि क्या सारे के सारे शब्द, सारे के सारे प्रोनंसिएशन और सारे के सारे स्पेलिंग में फ़र्क होता है? नहीं, सब में नहीं होता। बस आपको 30% आपको शब्दों में ही आपको ये तीन चीज़ों का डिफरेंस मिलता है, स्पेलिंग का, वर्ड्स का और फिर प्रोनंसिएशन का। प्रोनंसिएशन कहने का मतलब है उच्चारण का। तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक ऐसा फैक्ट जिसमें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो वर्ड्स ब्रिटिश में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो वर्ड्स हम ब्रिटिश में यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स हम अमेरिका में नहीं करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं। वैसे तो आज मैं आपके लिए ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेकर के आया हूँ, बस 8 वर्ड्स ही लाया हूँ। और इन 8 वर्ड्स के बाद आपके लिए और भी मैं बहुत सारे वीडियोस दूंगा, उनमें वर्ड्स के बारे में, स्पेलिंग के बारे में एंड कुछ प्रोनंसिएशन के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो में जानने वाले हो कि जो वर्ड हम अमेरिका में बोलते हैं वो ब्रिटिश में नहीं, और जो हम ब्रिटिश में बोलते हैं वो अमेरिका में नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख रखा है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, इधर के जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं ये सब ब्रिटिश हैं, और इधर के जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं ये सब अमेरिकन हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा मोबाइल। मोबाइल को हम अमेरिका में, यानी अमेरिकन लैंग्वेज में हम सेलफोन कहते हैं। और वैसे आजकल तो शॉर्ट फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो लोग तो आजकल शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग फ़ोन कह दिया करते हैं, सेल को हटा देते हैं और लोग सिर्फ फ़ोन कहते हैं। तो अगर कोई फ़ोन भी कहता हो ना, तो समझ जाना कि वो अमेरिकन वर्ड का यूज़ कर रहा है, क्योंकि सेलफोन अमेरिका में लोग कहते हैं मोबाइल को, और ब्रिटिश वाले तो भला मोबाइल कहते ही हैं। तो ब्रिटिश वर्ड है मोबाइल और अमेरिकन वर्ड है सेलफोन, जिसको इन शॉर्ट आप फ़ोन कह सकते हो। नंबर 2, टॉर्च। टॉर्च को अमेरिका में फ्लैशलाइट बोला जाता है। पर यहाँ के कुछ ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप टॉर्च को फ्लैशलाइट बोलोगे ना, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ समझ लेंगे। वो सोचेंगे कि अरे फ्लैशलाइट तो मोबाइल में होता है, ये तो टॉर्च को फ्लैशलाइट बोल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, टॉर्च को ही हम अमेरिकन लैंग्वेज में फ्लैशलाइट बोलते हैं। और वहीं पर अगर तुम कोई स्मार्टफोन रखे हो, या कोई आईफोन रखे हो, या कोई भी टच मोबाइल रखे हो, अगर उसमें तुम जो फ्लैश चलाते हो, यानी जो टॉर्च जलाते हो, उसको बोलोगे कि देखो मेरा टॉर्च कितना ज़्यादा लाइट देता है या कितना प्रकाश देता है, तो लोग हंस पड़ेंगे जो भी है ना। और क्यों हंसेंगे? जिनको ये जानकारी नहीं हो कि भाई फ्लैश लाइट का ही मतलब टॉर्च होता है और टॉर्च का ही मतलब फ्लैश लाइट होता है। तो जिस बंदे को ये बात पता होगी वो मजाक नहीं समझेगा, नहीं तो मजाक तो उड़ ही जाता है, क्योंकि एक बार मेरा उड़ चुका है। मैंने फ्लैशलाइट बोला था टॉर्च को, एंड टॉर्च को जो मोबाइल वाले टॉर्च होते हैं उसको मैंने टॉर्च बोल दिया था, फ्लैशलाइट नहीं बोला था। पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप फ्लैशलाइट बोलो या टॉर्च बोलो, बात एक ही है। नंबर 3, बिस्किट। बिस्कुट नहीं इसे पढ़ते हैं, इसे बिस्किट कहते हैं, और बिस्किट को अमेरिका वाले लोग कुकी कहते हैं। मार्केट में, हमारे मार्केट में उपलब्ध है बटर कुकीज़, आप लोगों ने खाया होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, और नहीं खाया हो तो खा लेना, बहुत ही टेस्टी होता है। तो बिस्किट को अमेरिका में हम लोग कुकी कहते हैं, और इसमें इस भी लगा सकते हो, कुकीज़ है ना, बटर कुकीज़ है ना, ऐसे लिखा हुआ आता है इस लगाकर। नंबर 4, ट्रक। ट्रक को अमेरिका में लोग लॉरी कहते हैं, ट्रक कोई नहीं कहता है, वो लोग लॉरी ही कहते हैं। तो लॉरी सुन करके कन्फ्यूज मत हो जाना, ट्रक को ही लॉरी कहते हैं अमेरिका में। नंबर 5, पेट्रोल। पेट्रोल को गैस कहते हैं, ये तो बहुत ही दंग करने वाला वर्ड है ना, कि गैस, वो भी पेट्रोल को। तो आप अमेरिका में जाओगे ना, तो अमेरिका में कोई भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर गैस पंप आपको मिलने वाला है। तो ये मत सोचना कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भरा लूँ या गैस भरा लूँ, आप ढूंढते रह जाओगे अमेरिका में पेट्रोल पंप, लेकिन कहीं पेट्रोल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा गैस ही मिलेगा, क्योंकि गैस को ही पेट्रोल कहते हैं, यानी गैस अमेरिकन वर्ड है और ब्रिटिश वर्ड पेट्रोल है। नंबर 6, फ्लैट। वही
जिसमें कुछ कमरे होते हैं, बाथरूम होते हैं, किचन्स इत्यादि सब कुछ होता है ना, एक अच्छा सा है ना रहने का निवास स्थान, वो फ्लैट कहलाता है। तो उसे तो हम ब्रिटिश में फ्लैट कहते हैं, लेकिन अमेरिका वाले लोग यानी अमेरिकन लोग इसे अपार्टमेंट कहते हैं, उस फ्लैट को अपार्टमेंट कहते हैं। नंबर 7, पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब होता है पैदल चलने का मार्ग, जैसे कि रास्ते पर कुछ बाइक्स के भी मार्ग होते हैं, कुछ बस ट्रक के भी होते हैं और कुछ पैदल के भी होते हैं। तो जो पैदल चलने वाला जो मार्ग होता है उसे हम पेवमेंट कहते हैं ब्रिटिश में, और उसी को हम लोग अमेरिका में साइड वॉक कहते हैं। साइड वॉक कहने का मतलब क्या है, वही किनारे से चलना है ना, तो इसलिए इसको साइड वॉक का नाम दिया गया। तो अमेरिकन लोग साइड वॉक कहते हैं, या आपको अमेरिका के रोड्स पर आपको साइड वॉक लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये पेवमेंट नहीं मिल सकता है। नंबर 8, पुलिस। पुलिस को अमेरिका वाले लोग पोपो कहते हैं। ये थोड़ा सा देखकर सुनकर बड़ी हंसी सी आती है ना, लेकिन हंसने वाली कोई बात नहीं है। अमेरिकन लोग पोपो कहते हैं पुलिस को, और ब्रिटिश वाले लोग पुलिस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताते हो या आपको अगर ये पॉइंट समझ में आता हो या फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मैं इस पर और भी बहुत सारे वीडियोज आपको देने वाला हूँ कि ब्रिटिश में किस वर्ड को अमेरिकन में हम क्या कहते हैं, या फिर ब्रिटिश में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम अमेरिकन में क्या कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्पेलिंग में जो फ़र्क है, जो प्रोनंसिएशन में फ़र्क है, उन सारे डिफरेंसेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।